स्टेट यूनियन के आंगनवाड़ी हेल्पर यहाँ आज 29 दिन हो गए, 29 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत तादाद के अंदर ये महिला विंग के लिए और शिवानी जी ने जो ये महिला विंग बनाया है, ये कि यूनियन बनाई है कि मैं एक बार नहाली महिला सशक्तिकरण को एसएम न्यूज की तरफ से सलूट करता हूँ कि आज 29 दिन लगातार यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रही है, अपना रोष प्रकट कर रही है। आइए और हम जानकारी लेते हैं कि जो इनकी लीडर है, जो इनका नेतृत्व कर रही है शिवानी जी से, कि आज 29 दिन हो गए, 29 दिन के अंदर जो माहौल है, जो सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला है कि आज आपको 29 दिन यहाँ हो गए, तो आप यहाँ कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा ही लग रहा है, मतलब क्योंकि मेरे ख्याल से जोश जो है वो जितना पहले दिन था उससे कहीं ज़्यादा आज है। पहले दिन एक आप कह सकते हैं कि एक अनिश्चितता का भी तत्व होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस संघर्ष में इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हमारी एक एक महिला कामगार वो तप चुकी है इस संघर्ष की अग्नि में और अब वो जानती हैं कि अब कुछ भी हो बिना जीते वापस नहीं जाना है। पहले दिन से हम लोग कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं और हम लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव बना है, यूनियन की ताकत बढ़ी है और औरतों के बीच जो तमाम तरह के डर काम करते हैं वो डर भी ख़त्म हुए हैं। तो हर लिहाज से आज 29वें दिन हम पहले दिन से कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में। अभी आपने रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक पैदल मार्च किया, जब भी दिल्ली सरकार की आंखें नहीं खुली इसमें आप क्या कहेंगे? अब इतनी नौटंकी बात सरकार है, इसकी आंख वैसे खुल चुकी है। बात यह है कि अब वो ये मानने से इनकार कर रही है कि मेरी आंख किस वजह से खुली है। खुल तो उसकी गई है, उसको झूठे बयान देके जो भी अभी मानदेय बढ़ोतरी का हवाई वादा भी करना पड़ा, तो वो भी जानती है कि एक यूनियन है और इतनी सारी महिलाएं उसके साथ हैं, तो आंखें उसकी खुल चुकी हैं। बात यह है कि वो ये पहचान हमें नहीं देना चाहती है। उसके पीछे भी कारण ये है कि अगर एक बार आपने यूनियन को पहचान दी तो आप जानते हो कि ये सरदर्द आपका आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में बना रहेगा। तो औरतों के पास वो ताकत ना रहे एकजुट होने की जो कि एक यूनियन देती है, उस ताकत से औरतों को महरूम किया जाए, इसलिए ये पूरा खेल रचा जा रहा है। बात यहाँ पे बेसिकली मानदेय बढ़ोतरी और उसकी है ही नहीं, बात ये कि इनकी सरकार आंगनवाड़ी महिलाओं की इस कदर जो एकजुटता बनी है, और मैं खुद जानती हूँ 2015 की हड़ताल में भी मैं रही हूँ, 2015 की हड़ताल और इस हड़ताल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी सारी बहनों की पहलकदमी इस बार खुली है, डर ख़त्म हुआ है और हर लिहाज से ये ज़्यादा सफल हड़ताल है। और केजरीवाल सरकार को जितने भी बयान देने पड़ रहे हैं, फर्जी यूनियनें बना के समझौते करने पड़ रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि यूनियन को पहचानने से वो कितना इनकार करते रहे, यूनियन लगातार अपना काम कर रही है। शिवानी जी, सरकार का मानना है कि आंगनवाड़ी वाली महिला नहीं है, आंगनवाड़ी वर्कर नहीं है, ये तो इकट्ठा कर दिया गया है, इनको कोई मतलब आंगनवाड़ी से लेना देना नहीं है। मैं समझ सकती हूँ केजरीवाल जी का दर्द। असल में क्या है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी सारी आज से पहले, चाहे वो एंटी करप्शन कैंपेन चलाया हो, चुनावी रैलियाँ उसके बाद की हो, भीड़ पैसे देके इकट्ठा किए हैं। तो आप मतलब क्या कह सकते हैं, उनको रस्सी भी सांप नजर आ रही है इस टाइम की, ये सारी औरतें पैसे देकर बुलाई गई हैं। असल में बात ये है कि जो इनके साथ अंदर समझौतों में गए थे, जो इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता थे, औरतें इनके एनजीओ की थी, वो आंगनवाड़ी में काम नहीं करती थी, बाहर बैठी सारी महिलाएं अपना आई कार्ड पहन के, अपने बैज लगा कर यहाँ पर है, सब आंगनवाड़ी में काम करती हैं। ये इनकी बौखलाहट है बेसिकली कि मानने से जो इनकार कर रहे हैं। जब आदमी का दिमाग अपनी सही जगह पर नहीं रहता है तो बौखलाहट में और हार के जब कगार पे होता है तो अनाप शनाप बकता, भी केजरीवाल जी वही कर रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं। अभी मनीष सिसोदिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया कि आंगनवाड़ी वर्करों का हमने मानक देय वगैरह बढ़ा दिया है। ये तो वही प्रेस वालों को बता सकते हैं, हम भी उसी का वेट कर रहे हैं कि मानदेय बढ़ा कि नहीं बढ़ा। हम बार बार ये बात कह रहे हैं, या तो आप यूनियन को लिखित में दो, जो स्ट्राइक को लीड कर रही है उसको लिखित में दो कि आपने मानदेय बढ़ोतरी की है। यूनियन से बात करने में हम जानते हैं डर लगता है, तो आप एक सरकारी अभी अधिसूचना जारी कीजिए, नोटिफिकेशन जारी कीजिए और बता दीजिए। मैं तो कह ही रही हूँ कि मैं आज ही हड़ताल खत्म करने को तैयार हूँ, आप इतना जारी कर दो, ये सारी औरतें अपना काम पे वापस लौट जाएंगी।
प्रेस में वो क्या कहते हैं, 2 साल पहले भी उन्होंने प्रेस में बड़ी बड़ी हांकी थी, उनके जो रेपिस्ट मंत्री थे संदीप कुमार, वो यहीं पे आके प्रेस को बुलाए थे और 29 जुलाई को 2015 में प्रेस के आगे बड़ी बड़ी बातें की थी। आज हम जानते हैं अभी तक हम हड़ताल पर हैं, तो समझा जा सकता है कि प्रेस में बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता है। आपके घर के बाहर औरतें या तो यहाँ के बात करो, नहीं तो यूनियन को लिखित में दो, ये भी नहीं कर सकते हो तो सरकारी नोटिफिकेशन जारी करो।